नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर आज प्रातः 8 बजे से 24 घंटे के लिए ही श्रीगंगानगर के सभी चिकित्सा प्रतिष्ठान, क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल बंद हैं। श्री गंगानगर के सभी गणमान्य चिकित्सक प्रातः 10:30 बजे श्री अम्बे हॉस्पिटल सुखाड़िया मार्ग के सामने इकट्ठे हुए और रैली निकालकर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अपनी एकता शक्ति का प्रदर्शन किया और कलेक्टरेट के सामने सभा कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। IMA के साथ साथ मेडिकल एसोसिएशन, लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन, नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन, डेंटिस्ट डॉक्टर एसोसिएशन, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स और PRO यूनियन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। IMA सचिव डॉक्टर हरीश रहेजा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल में ही अनेक कमियां हैं जो पहले दूर की जाए। हमें राज्य सरकार के अड़ियल और तानाशाही रवैया का पुरजोर विरोध करना है। उनको सबको दूर करना है। आपको जो आप सबसे पहले अपने आप पे वर्क कीजिए कि आपको कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हमारे फ्रेंड्स ज़्यादा बात कर रहे हो। फ्रेंड्स होना अच्छी बात नहीं है, पर एक टाइम पे आपको निश्चित दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वही फ्रेंड्स फिर आपके और अच्छे। अपने विल को